नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने चैनल स्टूडेंट पर तमाम भाइयों, तमाम बहनों, तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास टेंथ के एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में हम लोग दो एक्सरसाइज कर चुके हैं वास्तविक संख्या का, एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3। सबसे पहले मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अस्वस्थ था जिसके कारण कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। आज वीडियो आप सभी के लिए अपलोड हो जाएंगे। आप सभी अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे वास्तविक संख्या में, और एक्सरसाइज है 1.3 और इसमें हम लोग पूरे थ्योरेटिकल है, इसलिए थ्योरेटिकल को हम लोग एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से लिख के समझा दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट जल्दी जल्दी निपटा दूंगा। आप उस क्वेश्चन को बार बार बनाइएगा, लिखिएगा, एक क्वेश्चन अगर याद हो जाता है तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। एक्सरसाइज 1.3 में क्या पढ़ना है, जब बात हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का करते हैं तो एक्सरसाइज 1.3 में आपको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या कैसे होता है। उसके लिए हम सभी को एक लैंग्वेज लिखना पड़ता है। उससे पहले एक जानकारी के लिए आपको बता दें कि परिमेय और अपरिमेय संख्या, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं होता, यानी जीरो नहीं आना चाहिए तभी पॉसिबल है। या अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती जिस संख्या को पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, या साथ में आप बोल सकते थे कि उसको हम लोग रूट के भीतर देखते हैं। तो जैसे आप सभी को एनसीईआरटी 1.3 में सबसे पहला क्वेश्चन है, बिना समय गवाए हम समझने की कोशिश करते हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.3 में पहला सवाल कहता है कि सिद्ध करे कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बुआ, सिद्ध करे कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करिएगा, क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आप रिलैक्स होकर के अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए हम सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले लैंग्वेज क्या लिखना होगा, अच्छे से लैंग्वेज को समझिए। अगर लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को खूब अच्छे से डील कर पाइएगा। जैसे देखिए, अगर सॉल्यूशन में जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखना है, यहाँ पर लिखना है आंसर में, यदि संभव हो तो, लैंग्वेज में बहुत अच्छा लिख रहा हूँ, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है, यदि संभव हो तो मान लिया कि रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो मान लिया कि रूट अंडर 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जैसा कि आप सभी को पता है, जब कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो रूट 5 इक्वल टू कितना लिख दे, पी बाई क्यू, जहाँ पी कॉमा क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब, पी बाई क्यू का कोई भी संख्या लिखे तो उसको आप काट के सिंपल फॉर्म में नहीं कर सकते, मतलब ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है। जैसे मान लो 6/4 है, तो ये अभी दोनों में दो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहे हैं, तो ये परिमेय संख्या है लेकिन सिंपल परिमेय संख्या नहीं, इसको काट के फिर 2/3/2 के रूप में कन्वर्ट कर सकते, इसीलिए मैं लिखा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अब लिखेंगे, इतना लिखने के बाद लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है बहुआ, तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 5 बराबर पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर। आगे देखोगे ये भाग में इधर किधर चलाएगा, 5 क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर, यहाँ पे 2 क्यू है तो 1 क्यू को यहीं रहने देते हैं और 1 क्यू को इधर ले आते हैं, पी स्क्वायर अपन क्यू क्या होगा, इक्वेशन 1। इतना कर ली, तब यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार, पी स्क्वायर और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः यह भिन्न संख्या हुआ,
संख्या क्या हुआ, भिन्न संख्या। तो भिन्न बराबर कोई भी पूर्णांक संख्या पॉसिबल नहीं है, इसे लिखेंगे अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से भिन्न बराबर पूर्णांक जो संभव नहीं है, भिन्न बराबर पूर्णांक जो संभव नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट में मेरा बोर्ड छोटा, मैं पहले बता दिया हूँ, मेरे बजट जितना अनुसार है मैं उतना ही कर दे रहा हूँ, यही काफ़ी है मेरे लिए। तो ये भिन्न बराबर पूर्णांक जो संभव नहीं है, अतः लास्ट में लिखेगा हमारी मान्यता की रूट अंडर पाँच एक अपरिमेय संख्या है जो गलत थी, परिमेय संख्या है जो गलत थी, इसलिए रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या होगी और फिर लिख देंगे प्रमाणित। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और ये फिक्स समझिए क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का एक पैटर्न बना रखा है कि इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आने। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अच्छे से लिखिएगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए ये सवाल जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा और आपको क्वेश्चन बनाने ही पड़ेंगे। अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो आप इस क्वेश्चन को बार बार लिखिए और आपको याद हो जाएगा। इसके बाद एक के बाद हम लोग अगले तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दो के। चलिए क्वेश्चन नंबर दो को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो कहा है कि सिद्ध करें कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो इस तरह के सवाल को अच्छे से समझ लीजिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर वन है √5, अगर √3 बोल दे, √7 बोल दे, √11 बोल दे, एग्जाम में कोई डिजिट बदल दे, √2 बोल दे, तो आपको ज़्यादा याद नहीं करना, आप एक को याद कर √5 को अच्छे से याद कर लो और आपको कुछ नहीं करना है। √2 बोलेगा तो जहाँ जहाँ 5 लिखे थे वहाँ वहाँ 2 लिख दीजिएगा, बाकी लैंग्वेज सेम रहेगा। अगर √7 बोला तो जहाँ जहाँ 5 लिखा वहाँ वहाँ 7 लिख दीजिए, बाकी लैंग्वेज सेम रहेगा। √11 बोलेगा तो सब जगह जहाँ जहाँ 5 लिखा है वहाँ 11 लिख दो, कहानी खत्म। यानी साफ साफ मतलब है कि आप एक को अच्छे से याद कर लीजिए और एक को याद करने के बाद सिर्फ डिजिट चेंज कर दीजिएगा, बना दीजिएगा, वो हुआ सिंगल। लेकिन अगर कोई भी अपरिमेय संख्या आप प्लस में दे रखा है, माइनस में दे रखा है, मल्टीप्लाई में दे रखा है, डिवाइड में दे, मतलब जोड़ में, घटाव में, गुना में, भाग में दिया है, तब कैसे सिद्ध करेंगे? जैसा कि क्वेश्चन नंबर दो आपके सामने है, यहाँ पे देख रहे हो कि सिद्ध करें कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये 3 परिमेय संख्या है, एक दूसरे से दोनों जो है प्लस में, ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, अब दोनों को क्या बोला, ये अपरिमेय संख्या, तो कैसे क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम आपको ट्रिक बताते हैं, अच्छे समझिएगा। जो संख्या रूट के भीतर रहेगा उसको पहले की तरह सिद्ध करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर वन में उसी तरह सारा लैंग्वेज लिख करके सिद्ध करेंगे। तो रूट के भीतर कौन सा है, √5। तो √5 सिखाना आपको सेल्फ कराना सिखाए हैं। यदि संभव हो तो मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5=P/Q, जहाँ पी क्यू कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग किए ऐसा आया। इस प्रकार हम पाते हैं कि P² और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः यह भिन्न संख्या हुआ। अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से भिन्न बराबर पूर्णांक जो कभी संभव नहीं होता, अतः हमारी मान्यता कि √5 एक परिमेय संख्या है जो गलत थी, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब हमको √5 तो सिद्ध करना नहीं, क्वेश्चन बोला 3+√5। तो देखो बुआ, 3 कौन सा क्या, परिमेय संख्या। तो जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा उसे वैसा फार्मूला आप अपने से तैयार करोगे, क्योंकि मैं पहले ही टाइम में आपको समझा दिया था कि अच्छा आदमी गंदा आदमी के साथ रहेगा तो गंदा आदमी हो रह जाएगा, चाहे जोड़ में रहे, चाहे घटाव में रहे, चाहे गुना में रहे, चाहे भाग में रहे। तो यहाँ पे 3+√5 जो है ये परिमेय है। तो देखो, चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय, 3 परिमेय है, तो यहाँ पर लिखे परिमेय
प्लस है तो प्लस लिखे, फिर दो प्रमेय होता तो फिर लिखे प्रमेय, ये दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है तो लिखे गुना का चिन्ह, और रूट अंडर पांच कौन संख्या अपरमेय संख्या, तो लिखे परिमेय प्लस परिमेय गुणे अपरमेय। अब तुम सोचोगे ये कहाँ से आया है, तो ये आपको देख करके पैटर्न से आता है, इस पैटर्न को पढ़ो और इस पैटर्न को अपने तरफ से बैठाओ। जैसे पहला नंबर परिमेय है तो परिमेय लिखे, बीच में जोड़ का चिन्ह तो जोड़ का चिन्ह, फिर परिमेय है दो तो फिर लिखे परिमेय, अपना से गुना का चिन्ह तो गुना का चिन्ह, अपरमेय है तो लिखेंगे अपरमेय, बराबर क्या होता है अपरमेय, तो बराबर में लिख दिए अपरमेय। इसीलिए 3 + 2√5 क्या होगा अपरमेय संख्या हो जाएगा, और इस तरह आप क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का एक कहता है क्या, जरा ध्यान समझो, क्वेश्चन नंबर 3 का एक कहा है कि 1/√2, क्वेश्चन बोला है 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। मैं 500 बार बोल दिया हूँ कि अगर कोई भी संख्या भाग में रहे, गुना में रहे, जोड़ में रहे या घटाव में रहे, अगर उसको अपरमेय संख्या सिद्ध करना है तो जो सबसे पहले रूट में रहता है उसको नॉर्मल फॉर्म की तरह सिद्ध कर लोगे। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आप देखोगे ध्यान से, तो 1/√2 लिखा है, इसका मतलब रूट अंडर 2 जो है वह किसके अंतर्गत आएगा, रूट अंडर जो 2 है वह उसी पहले उसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो जैसा मैं बोला था कि एक याद कर दो सब पे डिजिट बैठाते चले जाओ, जैसे हम लोग 5 का याद किए हैं तो 5 की जगह पर सभी जगह 2 बैठा दिए, बाकी लैंग्वेज एकदम सेम है। तो बार बार एक ही बात बोलिएगा, बार बार एक ही बात लिखिएगा तो याद हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है इस एक्सरसाइज में, सिर्फ आपको एक याद कर लेना है, डिजिट बदल देना है, लेकिन प्लस माइनस गुना और भाग वाला रहेगा, तो अपने से फार्मूला को डेवलप करना है। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए, अतः हमारी मान्यता कि रूट अंडर 2 क्या है, एक अपरमेय संख्या, इसलिए रूट 2 एक अपरमेय संख्या, सीधे यहाँ तक कर लिए। तब फिर यहाँ से बदलेगा ये वाला फार्मूला लास्ट वाला जो आपको समझना है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, फोटो को देखो, क्वेश्चन देखो, ये कौन संख्या है परिमेय, तो परिमेय लिखे, बटा है तो बटा लिखे, ये रूट 2 कौन संख्या अपरमेय संख्या, तो गंदा आदमी के साथ अच्छा आदमी भी रहता है तो गंदा आदमी भी जाता है, मतलब परिमेय बटा अपरमेय क्या होगा अपरमेय संख्या होगी, इसीलिए 1/√2 क्या होगा अपरमेय संख्या होगी। हम क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ सकते थे इस एक्सरसाइज को, लेकिन हम वादा किए हैं कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बार बार लिखिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। 1 के बाद हम लोग अगले तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर किसके तरफ, 3 का 2 नंबर सवाल। देखिए 3 का 2 नंबर में सवाल में बोला है सिद्ध करें कि 7√5। देखो मैं अभी डायरेक्ट चेंज करके बता रहा हूँ, इसी में मैं चेंज करके बता रहा हूँ कैसे बनाना है। तो 3 का 2 नंबर सवाल बोला सिद्ध करें कि 7√2 क्या है, 7√5 एक अपरमेय संख्या है। तो मैं बोला इस तरह का अगर सवाल बनाए तो जो रूट के भीतर में पहले उसको प्रूफ करो। तो रूट अंडर 5 बोला तो मैं क्या बोला, जो डिजिट मिलेगा उसको सिर्फ अंक बदल देना, 2 के जगह पर फिर कितना लिख दोगे 5 लिख दोगे, 2 के जगह पर कितना लिख दोगे 5 लिख दोगे, 2 के जगह पर कितना लिख दोगे 5 लिख दोगे, 2 के जगह पर कितना लिख दिए 5, और ये सारा चलता रहेगा, सिर्फ जहाँ जहाँ 2 भेटाएगा वहाँ वहाँ कितना भर देना है 5, तो 5 एक अपरमेय संख्या। अब यहाँ से अपने से फिर डेवलप करना है क्या, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ये परिमेय है तो लिखेंगे 7 कौन संख्या है परिमेय संख्या, दोनों के बीच में किसका चिन्ह है गुना का, फिर क्या होगा अपरमेय संख्या, तो परिमेय गुने अपरमेय, अब बराबर क्या होता है परिमेय गुने अपरमेय, अच्छा आदमी के साथ गंदा आदमी रहेगा तो क्या हो जाएगा गंदा बन जाता है, इसलिए लिखेंगे अपरमेय संख्या, इसलिए 7√5 क्या हो जाएगा अपरमेय संख्या हो जाएगा। इतना आसान सिंपल है, तो आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिए एक को और सिर्फ डिजिट को बैठाते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यकीन मानिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, और अगला क्वेश्चन जो है वह इसी का 3 नंबर, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर जो सवाल कहता है वो देख लीजिए, 3 का 3 कहता है सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। मैं 500 बार बोल चुका हूँ, फिर से सुनिए कि पहले इस तरह का सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट के भीतर जो डिजिट रहेगा उसको लेते हैं, तो रूट के भीतर क्या है 2 है, अभी 2 को इसमें क्या करेंगे बदल देंगे, तो 5 की जगह पर कितना बैठा देंगे 2, 5 की जगह पर फिर कितना बैठाएंगे 2, 5 की जगह पर कितना बैठाएंगे 2, सब जगह 2 लिख दिए, जैसा क्वेश्चन है वैसा काम करेंगे, सिर्फ याद करके बैठा देना, 2 हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये हो गया कंप्लीट। अब फिर अपना से फार्मूला बैठाओ, यहाँ पे बार बार चेंज होगा जो आपको समझना है, ये 6 कौन संख्या है परिमेय संख्या, 6 कौन संख्या है बाबू परिमेय, बीच में किसका चिन्ह है प्लस का, और फिर क्या होगा अपरमेय, तो परिमेय प्लस अपरमेय बराबर क्या होता है अपरिमेय, इसीलिए फिर लिख देंगे यहाँ पे 6 + √2 कौन संख्या है अपरमेय संख्या है, और आपका कहानी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
उम्मीद करते हैं कि आपको यह सारा एक्सरसाइज समझ में आया होगा। और एक्सरसाइज 1.3 क्या हो जाता है, खत्म हो गया आप लोग का। अब हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय स्टूडेंटपुर। एक बार आपसे लास्ट टाइम आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है मेरा कि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, अस्वस्थ होने के बावजूद भी मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो कम से कम आपका एक कर्तव्य बनता है कि वीडियो को शेयर कर दे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दे या अन्य सभी सोशल मीडिया चैनलों पर इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़ जाए और सभी आदमी को कम से कम नए हालात में तो आप सभी को कम से कम ये सबक लेनी चाहिए या हो सकता है प्रतिज्ञा करना चाहिए कि सर मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम 10 सब्सक्राइबर एक आदमी का जिम्मेवारी बनता है कि कम से कम सब्सक्राइबर को जोड़िए ताकि मैं आपको लाइव आके पढ़ा सकूं, लाइव ऑब्जेक्टिव डिस्कस करा सकूं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा मुहिम चला दीजिए जिससे 1K सब्सक्राइबर जल्दी से पूरा हो जाए और मैं आपको आकर लाइव पढ़ाऊं एक निश्चित समय पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय स्वयंपुर। थैंक यू।